लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चालू है, तो वहीं अब कांग्रेस ने पांचों लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है, इससे पहले उसकी कोई भी संगठनात्मक गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वह काम पहले ही कर चुकी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता लगातार संपर्क और संवाद कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियाँ नहीं दिखाई दे रही थी। अब मालूम चला है कि उन्होंने लोकसभा में अपने 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ठीक है, संगठनात्मक दृष्टि से ये काम सभी को करने होते हैं। कांग्रेस अब कर रही है, हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने